बसमिल रिमरिम असल फाइव क्लास लेट्स ओपन यूर असिसटी बुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन वी आर डूइंग लेसन नंबर फोर ऑफ यूनिट नंबर वन वी हैव बीन कंप्लीटेड द हाफ रीडिंग नेक्स्ट सी द नेक्स्ट रीडिंग वी आर रीडिंग अबाउट द फेमस एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स इन द लास्ट रीडिंग वी हैव बीन कम्प्लीटेड इब्ने बतूता नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस वास्को गामा वास्को दा गामा वाजा पॉर्टगीज़ एक्सप्लोरर वा, पॉर्टगीज़ होते हैं पुर्तगाली पुर्तगाल में रहने वाले लोगों को कहते हैं पॉर्टीज़ एक्सप्लोरर मतलब तलाश करने वाले खोज लगाने वाले तो वास्को डा गामा जो है पुर्तगाली एक्सप्लोर था खोज लगाने वाला था हु वाज बॉर्न इन साइंस पॉर्टॉल इन फोरटीन जो कि फ़ोटीन में पुर्तगाल के शहर साई में पैदा हुए थे लाइक हिज फादर ही आल्सो डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड अपने वालिद की तरह उन्होंने भी दुनिया की तलाश करने खोज लगाने का फैसला किया ही वॉज दी फर्स्ट पोर्टुगीज एंड यूरोपियन टू सेल टू इंडिया सेल होता है कश्ती रानी करना तो ये पहले पुर्तगाली या यूरोपियन थे जिन्होंने जो इंडिया गए कश्ती के ज़रिए कश्ती रानी करते हुए इंडिया गए ये पहले थे ही ट्रेवल्ड वाया द केप ऑफ गुड होप उन्होंने अच्छी उम्मीद के साथ केप के ज़रिए सफ़र किया केप क्या होता है जो समंदर के अंदर ज़मीन का हिस्सा होता है ना टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं केप आप ये देख सकते हैं जैसे ये समंदर है और इसके अंदर ये छोटा सा जो जमीन का हिस्सा होता है उसको केप कहते हैं लाइक like दिस कि ये समंदर है और ये छोटा सा जो टुकड़ा है इसको केप कहते हैं विच इज एट दउन मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के, के जनूब मशरक में वाक़ है हीज डिस्कवरी ऑफ दी सी रूट इनेबल द पोर्टगीज़ टू इस्टैब्लिश अ लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल एम्पायर इन एशिया के आ, उ, उनकी समंदरी रूट हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था रास्ते को कहते हैं उनके समंदरी रास्ते की दरियाफ्त ने पुर्तगालियों को एशिया में लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा देर तक जो देर देरपा जिसको कहते हैं कॉलोनियल एम्पायर एम्पायर होता है सल्तनत एम्पायर मीन सल्तनत और कॉलोनियल मतलब नौबादियाती मतलब उनकी समंदरी रास्ते की दरियाफ़ ने पुर्तगालियों को एशिया के एशिया में लंबे ए अरसे या देरपा नौबादिया सल्तनत कायम करने के काबिल बनाया मतलब जो कॉलोनियल एम्पायर मतलब जो नई आबादियाँ होती हैं ना जहाँ पे लोग नई कोठियाँ वगैरह बना के रहते हैं उसको कहते हैं उसके काबिल बनाया उनको ही रिच केप वे आइलैंड्स एंड देन सांटा हेलेना बे इन साउथ अफ्रीका वो वो जनूबी अमरीका अफ्रीका में के वर्दे जजीरे और फिर सांता हेलिना बे में पहुंच गए ये वहाँ के ये मतलब वहाँ के जजीरे या आबादी आप समझ लें वहाँ पर पहुँच गए जहाँ नेक्स्ट फ्रॉम देयर ही वेंट टू मोजाम्बिक एंड देन टू मोमबासा आ पॉट इन कीनिया कीनिया मतलब मुल्क का नाम है कीनिया पॉट मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था पॉट मीनस बंदरगाह फिर वहाँ से वो मोजम्बिक गए और फिर मुम्बासा चले गए मुम्बासा किनिया का शहर है और वहाँ की बंदरगाह पर चले गए आफ्टर सेलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन इंडियन ओशन मतलब हिंदुस्तान का जो समंदर है उसको बहरे हिंद बोलते हैं बहर होता है बड़ा बड़े समंदरों को बहर यूज़ करते हैं उसके लिए बहरे हिंद को पार कर कश्ती के ज़रिए पार करने के बाद ही रीच्ड दी ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ कलिकत इन साउथ इंडिया वो जनूबी हिंदुस्तान में कलिकत की तजारती पोस्ट पर पहुँच गए मतलब तजारती जो पॉइंट है उस पर पहुँच गए नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखें वास्को द गामा वाज गिवन अरोज वेलकम वन ही रिटर्न टू लिस्बन लिस्बन है पुर्तगाल का दारुल हलाफा सिटी अवानका तो क्या वास्को दा जब वो लिस्पिन वापस पहुंचा तो वो उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने समंदरी रास्ता दरिया किया तलाश किया इंडिया का की तरफ वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इंडिया की तरफ पहला समंदरी रास्ता तलाश किया बाय बाय दिस डिस्कवरी पोर्टुगाल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकेम लिंक्ड टू एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टीनेंट सब इंडियन सब कॉन्टीनेंट मतलब बड़े सर पाको हिंद और लिंक्ड का मतलब है जोड़ना तो इस दरियाफ्त के जरिए पुर्तगाल और दूसरे यूरोपीय ममालिको एशिया और बर सगीर पाको हिंद के समंदर के बायसी समंदर के जरिए एशिया और बर सगीर पाको हिंद के साथ जोड़ दिया मतलब पुर्तगाल और दूसरे ममालिक को इस दरियाफ्त के ज़रिए समंदर के जरिए पाको हिंद बरे सगीर पाको हिंद और एशिया के साथ जोड़ दिया इस डिस्कवरी ऑफ दी रूट वाज सिग्निफिकेंट मीन्स सिग्निफिकेंट मीन्स अहम सिग्निफिकेंट एंड ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ़ ग्लोबल एम्पीरियलिज़म उनकी समुद्री रास्ते की दरियाफ्त बहुत अहम थी एंड ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ़ ग्लोबल एमपेरियलिज़म ग्लोबल मतलब आलमी और एमपीरियलिज़म साम्राज्य तो उनकी दरियाफ्त अहम थी और उन्होंने आलमी साम्राज्य के दौर के लिए रास्ता खोल दिया इंपेरियलिज्म सा, 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 साम्राज्य क्या होता है जो कोई भी मुल्क अपनी ताकत या अपनी पावर को शो कर को बढ़ाता है अपनी रिसोर्स के ज़रिए फोर्स या कुछ भी उनके जो रिसोर्स हैं मिलिट्री के ज़रिए वो आगे बढ़ाता है पावर को मजबूत करता है ही मेड टू मोर वज टू इंडिया उन्होंने हिंदुस्तान के मजीद दो सफ़र किए वोज मतलब सफ़र दी रूट ही डिस्कवर्ड गेव पोर्टॉलोज एक्सेस टू द इंडियन स्पाइस मार्केट जो उन्होंने रास्ता दरियाफ्त किया वो पुर्तगालियों को हिंदुस्तानी स्पाइस मतलब मसाला जात की जो बाज़ार है मार्केट है वहाँ तक उनको बिला मुकाबला रसाई मिल गई बिला मुकाबला मतलब बगैर किसी मुहालफत के उनको वहाँ एक्सेस मिल गई रसाई मिल गई स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वार न्यू टू यूरोप मसाले और दूसरी एशिया जो हिंदुस्तान में दस्तयाब थी वो यूरोप के लिए नई हो नई थी दी न्यू ट्रेड रूट ग्रेटली बेनिफिटेड दी पोर्टीज इकॉनमी नई तजारती रास्ते जो पुर्तगाली मैशत के लिए बहुत फ़ायदा मंद थे वायल इन इंडिया हिंदुस्तान में गामा बीमार गामा जो है बीमार पड़ गए एंड डाइड इन दिसंबर ट्वेंटी फोर फिफ्टीन ट्वेंटी फोर इन कोचिन वो हिंदुस्तान में बीमार पड़ गए और चौबीस दिसंबर पंद्रह चौबीस को कोचिन मतलब हिंदुस्तान का शहर है कोचिन वहाँ पर वफात पा गए बाय दिस टाइम इस वक्त के साथ कोचिन वाज उस वक्त कोचिन वाज पार्ट ऑफ पोर्टगीज़ इंडिया आ, कोचिन पुर्तगाली हिंदुस्तान का हिस्सा था आल् ही वाज फर्स्ट बरीड इन सैनिट एस टी मीन सैनेट फ्रांसिस चर्च इन कोचिन पहली बार उनको सेनेट फ्रांसिस चर्च में कोचिन के uh, ये सेनेट फ्रांसिस चर्च में उनको दफन किया गया हिज रिमेन्स वार रिटर्न टू पोर्टुगाल इन फिफ्टीन थर्टी नाइन और पंद्रह सौ उनतालीस में उनकी बायात मतलब उनकी जो बकाया चीज़ें थी वो सारी पुर्तगाल को वापस कर दी गई दी बॉडी ऑफ वास्को डा गामा वाज रीबरीड इन इन विडिगैरा इन कास्केट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ज्यूल्स और वास्को गामा की बॉडी को दोबारा से उनकी वो कबर से निकाल कर उनको विडिगरा में दोबारा दफन किया गया इनर कास्किट कास्किट होता है ताबूत वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर डेड बॉडी को रखते हैं कास्किट डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड जूल्स और, जूल और उनके ताबूत को सोने और जेवरात के साथ डेकोरेट किया गया सजाया गया तो ये वास्को गामा की रीडिंग आज हमने कंप्लीट की है नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे आज